हाय एवरी वन वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस तो जब से आप सभी को पता चला है कि अस्सी हज़ार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जबकि बिहार की है वहां पे हर एक इंडिया के को आप किसी भी स्टेट में रहते हो आप सभी को मौका मिल गया है अब ये गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है मुझे इससे इस पर इस कुछ नहीं कहना है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम की चीज़ें बताने आई हूँ जो कि मैं आप हमेशा करती हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो हर एक चीज़ को समझने में सबसे पहले आवेदन जो है स्टार्ट हो ही चुका है अभी मैं आपको एक एक डिटेल में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इन्होंने पहले प्रोवाइड किया था के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आवेदन की अंतिम तिथि क्या है शुल्क कितना लगेगा महिलाओं को क्या छूट है परीक्षा तिथि सिलेबस क्या है और सीटेड अगस्त वाले शामिल है एक एक डिटेल मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी जितना हो सकता है और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी एक एक चीज़ अच्छे से कि आपको कैसे तैयारी करनी है कहां से करनी है ठीक है तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अब तो आपको इस चैनल से जो, जो है बने रहना होगा एग्जाम तक क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कितना संशोधन पे संशोधन हो रहा है कुछ भी चेंजेस हो तो आपको तुरंत पता चल सके क्योंकि पहले इन्होंने सी टेट वालों को मना किया था बी एड डी एल एड लास्ट वालों को बाद में शामिल किया अब इन्होंने अदर स्टेट को भी अब परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है क्या होता है वो तो बात की बात है बट जी हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर होगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी तो इसलिए आप चैनल से बने रहिए बाकी आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मुझे अच्छा लगता है देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने वीडियो बनाया था और इतने सारे क्वेश्चन बार बार यही आ रहे हैं कि हम राजस्थान से हैं मध्य प्रदेश से हैं गुजरात से हैं यहां से हैं वहां से हैं क्या हम फॉर्म भर पाएंगे आप मुझे बताइए कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है निवास प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है अब आप जो है भारत के स्थायी मतलब वही है कि स्थाई सदस्य हैं आप फॉर्म भर सकते हो अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल बिहार के होंगे तो ही फॉर्म भर पाएंगे आप यूपी के हैं आप राजस्थान के हैं आप उड़ीसा के हैं आप गुजरात के हैं मध्य प्रदेश के हैं वेस्ट बंगाल के हैं झारखंड के हैं छत्तीसगढ़ के हैं कहीं के भी हो आप इस भर्ती में शामिल हो ये डाउट क्लियर बस अब पढ़ाई पे ध्यान दो दूसरा कि सभी पर तो सीटेट अगस्त वालों के लिए भी है कि उनको दो एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि अब आप किसी भी स्टेट के हों आप सीटेड का पेपर तो देने वाले हैं ना तो आपको साथ में बीपीएससी में भी बैठना है तो आप दोनों का जो है प्रिपरेशन साथ में कीजिए सीटेट का जिसका पेपर अगस्त में है वो भी इसमें शामिल है फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हो दो बातें क्लियर हो गई सीटेट अभ्यर्थियों के लिए खास तौर तो पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिलेबस एकदम अपोजिट है अभी मैं आपको दिखाने वाली हूं तो अपना समय जो है डिवाइड कर लीजिए अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती चलती हूं कि एग्जाम की डेट आप यहां पर देख सकते हो ये इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपका पहले तो बीस अगस्त को पेपर था फिर उन्होंने बीस अगस्त की डेट को चेंज कर दिया क्योंकि उस दिन सीटेट का पेपर है अब इन्होंने चेंज किया है चौबीस पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस अगस्त इसी ये अगस्त की जो डेट है इसी के बीच में आपका परीक्षा होना है तो अगर हम मान के चले तो आपके पास एक डेढ़ महीने का समय है अब ये डेट चेंज होता है या नहीं होता है, ये किसी को नहीं पता है मे भी आपका इसी डेट को पेपर हो जाए ठीक है और उसके बाद से मैं आपको एक बार सिलेबस में आपको दिखाना सिलेबस से पहले मैं आपको ये फीस और आवेदन की तिथि बता देती हूँ देखिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए आपको दो सौ रुपए तथा अलग अलग आरक्षण मतलब आरक्षण तो आपको पता ही है जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनको सात सौ पचास रुपए देने हैं है? फीमेल शामिल नहीं है फीमेल के लिए अलग है किसी भी, किसी की भी भी कैटेगरी दो सौ रुपए है सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल हो चाहे जनरल के अलावा जितनी भी महिला अभ्यर्थी जितनी भी फीमेल है ना इतना समझ लो उनको दो देना है आवेदन शुल्क बता रही हूँ मैं और जो दिव्यांग ती उनके लिए भी दो सौ रुपए हैं, बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए सात सौ पचास रुपए ही हैं। तो आप इतना समझ सकते हो आवेदन की प्रक्रिया यहां पर सारी डिटेल्स दी गई है ये मैंने वैसे अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है आप डिटेल में पढ़ सकते हो दोबारा से मैं एक बार भेज दूंगी पीडीएफ तो टेलीग्राम का आपको लिंक मिल मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वहां ज्वाइन जरूर हो जाइए देखिए इन्होंने सारी चीजें यहां पर दी है कि एक बार फीस अगर आप मान लीजिए आपका कट जाता है तो दोबारा से आपका रिफंड नहीं होगा चलिए मेन है हमारा आवेदन स्टार्ट कब से हुआ है पंद्रह जून से स्टार्ट हो चुका है बारह जुलाई इसकी लास्ट डेट है जी हाँ ये आप स्क्रीन ले लो या नोट कर लो क्योंकि फॉर्म भी तो भरना है ना आपको बाकी डेट आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आई है और हां एक चीज और इन्होंने बोला है कि आपको जो भी आप फॉर्म फिल करें वो सही होना चाहिए कुछ भी उसमें अगर गलत पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तो यहां पर आवेदन से रिलेटेड है ये तो आवेदन की पूरी डिटेल में तो एक वीडियो में ही मैं बना दूंगी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए ठीक है उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन मत नहीं लेना है मैं आपको बता दूंगी परीक्षा शुल्क आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया है अब एक बार मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगी क्योंकि आप वन टू फाइव के टीचर बनना चाहते हैं तो आप एक बार मोटा मोटा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है हमेशा से मैं बताती आई हूं पहला आपका भाषा वाला जो कि सभी का होगा प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक इसमें आपके सौ क्वेश्चन होंगे आपका भाग एक पच्चीस है और भाग दो पचहत्तर है इसका मतलब कि आपके पच्चीस नंबर का तो इंग्लिश आएगा और पचहत्तर नंबर आप हिंदी उर्दू और बांग्ला में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे दो घंटे का पेपर होगा सौ नंबर का होगा कंपलसरी है।, तो है, 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 है जो कि पच्चीस नंबर का आएगा बाकी आप हिंदी उर्दू बांग्ला में से चूज कर लीजिएगा पचहत्तर नंबर का आएगा इसमें आपको तीस ही लाना है ठीक है ना अन, मतलब एक होता है जैसा कि सीसेट को क्लियर करने का होता है कि इतना नंबर लाना चाहिए इसमें भी है इसमें आप बहुत ज्यादा नंबर लेकर आओगे तो भी आपका नंबर जुड़ेगा नहीं ये आपका मेन है यहीं से आपका सिलेक्शन होगा ये देखिए इसमें डेढ़ सौ प्रश्न होंगे दो घंटे का समय होगा और डेढ़ सौ ही नंबर के होंगे और इसमें आपका प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग आपका सामान्य जागरूकता है सामान्य विज्ञान है सामाजिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल और पर्यावरण शामिल है ठीक है ना और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे लेकिन इनका जो स्तर है वो ऊपर का होगा तो आप इतना समझ सकते हो बाकी ये माध्यमिक का है तो आपको मैंने बता दिया कि प्राथमिक में क्या क्या पूछा जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं टेलीग्राम पे भी आपको बता दूंगी ठीक है ये आपकी क्लियर हो गई सिलेबस आपका परीक्षा शुल्क आपका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कब होगा यह भी आपको पता चल चुका है बारह जुलाई लास्ट डेट है चलिए अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि इतने लोग जल्दीबाजी किए जिसकी वजह से उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है जी हाँ देखिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी मूल प्रमाण पत्र है ना वो लास्ट में आपका मिलाया जाएगा तो किसी भी हालत में आपका नाम जन्म तिथि परीक्षा ये सारी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए मोबाइल नंबर भी और यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी में नोट करके रख लो ये खुद बीपीएससी बता रहा है तो ये आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही अंकित करेंगे और किसी और का ईमेल आईडी आपको नहीं डालना है मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे किसी भी अन्य व्यक्ति का ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन आवेदन दूसरी चीज कि अगर आपकी कुछ भी गलती होती है तो रजिस्ट्रेशन में ही सुधार कर लो पेमेंट के बाद से सुधार नहीं होता है यह भी इन्होंने बताया है कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं क्योंकि कई बार साइबर कैफे वाले भी गलत कर देते हैं यहां पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय और अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार आपको पूरा डिटेल में बताऊं तो कमेंट कर दीजिएगा देखिए इस बार ना आपका फोटोज नहीं लगेगा वो जो कैमरा होता है ना जैसे आधार कार्ड में जो फोटो खींचते हैं वैसा ही होगा तो अच्छी तस्वीर वेब के माध्यम से खींच अपलोड करना है ठीक है ना तो जब आप फॉर्म जहां से भी भराना तो पीछे जो है आपका सफेद होना चाहिए अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए बैकग्राउंड अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर जो है वो स्कैन कर कर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना ताकि आप जब भरवाने जाएं तो आपको पता हो और अगर वो साइबर कैफे वाला कुछ गलत करे तो आप बता सको तो किस में होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में आपको सिग्नेचर को स्कैन करना है ठीक है बाकी अब तो निवास प्रमाण पत्र तो खत्म ही कर दिया है तो उसकी तो अब कोई जरूरत ही नहीं है ओके और यहाँ पर देखिए बाकी आपको क्या करना है ना कि होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना अद्यतन फोटोग्राफ की पांच मतलब न्यूनतम फोटोग्राफ जो लेटेस्ट वाला है पुराना नहीं पांच प्रति अपने पास सुरक्षित सुरक्षित रखेंगे ताकि जब मांगा जाए तो आप उसमें देख सकते हो ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का भी अगर गलती हो जाता है इंटरनेट या फिर वहां पर कुछ गलती हो जाती है तो ये इसका इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ठीक है और एक चीज़ और है ये भी सुनिश्चित कर लो कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर यह सब होना चाहिए ये तो आप डिटेल में पढ़ ही सकते हो ठीक है तो ये आपको एक चीजें मैं बता रही हूं कि क्या क्या चीजें आपके पास होना चाहिए ताकि वो आपका कोई गलत ना करे और यहां पर देख लीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप बिहार के हो बिहार के बाहर हो आपको केवल तीन बार मौका मिलेगा तो तीन बार परीक्षा देना है तो इसी बार में अपना एक सीट फिक्स कर लो ये कई लोग पूछ रहे थे और आरक्षण आपको पता है जो लोग बिहार के हैं उन्हें ही मिलेगा बाकी तो आप सब जनरल कैटेगरी में ही आएंगे तो ये सारी चीजें हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने बता दिया है आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई में ही है परीक्षा शुल्क भी मैंने बता दिया सिलेबस भी मैंने बता दिया है आप सीटेड अगस्त में है बी एड लास्ट सेमेस्टर में है तो आपको डबल मेहनत करना है क्योंकि तीन मौका ही मिलेगा चाहे आप बिहार के हो चाहे बाहर के हो तो आपका एक मौका इसी एक मौके में आपको सिलेक्शन लेना है इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा ऑनलाइन आवेदन की एक डिटेल में वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी ताकि आप गलती से भी कुछ गलत ना करें कुछ भी गलती होगी आपको भी पता है बाद में आप को इससे बाहर कर दिया जाएगा यह डिटेल में बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया हुआ है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग